हेलो फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट, मैं नीरज वसीता, मेरा यूट्यूब चैनल खिलाड़ी कॉमर्स में एक बार सभी से फिर सबका वेलकम यहां पर। और आज जो अपन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, आज जो क्लास होने वाली है वो ट्वेल्थ और फर्स्ट ईयर के जो बीकॉम बीबीएम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है ये क्लास। इसमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एक टॉपिक है आपका पूरा, बहुत बड़ा सा और एक चैप्टर है ट्वेल्थ क्लास के अंदर, ट्वेल्थ कॉमर्स की अकाउंटेंसी के अंदर। तो उसको पूरा एक चैप्टर आज अपन कंप्लीट करने वाले हैं, उसके कुछ टॉपिक्स को आज अपन देखने वाले हैं यहाँ पर। और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारे वीडियोस आपको मिलने वाले हैं जो आपको काफी हेल्पफुल रहेंगे, आपकी स्टडी के लिए बहुत ज्यादा आपके लिए कारगर साबित होंगे। तो अब जिन्होंने नहीं किया है मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब, वो फटाफट सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें मेरे वीडियोस को, काफी कुछ हेल्प मिलेगी आपको। तो आज अपना चैप्टर 2 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ट्वेल्थ कॉमर्स के लिए मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। और बीबीएम और बीकॉम के स्टूडेंट्स भी वीडियो को देखकर एक टॉपिक पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, उनके सिलेबस का पार्ट भी है ये चैप्टर, अच्छा सा है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड यहाँ पे आया है गुडविल, वैल्यूएशन की बात बाद में करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड है गुडविल। गुडविल का मतलब क्या? तो गुडविल का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, गुडविल का मतलब एक गुड नेम ऑफ अ फर्म ऑफ अ बिजनेस, एक बिजनेस का गुड नेम जिसको एक बिजनेस एंजॉय करता है और अपनी रेपुटेशन जिसको अपन बोलते हैं, मार्केट में एक बिजनेस की क्या रेपुटेशन है, उसकी क्या मार्केट में वैल्यू है, उसको अपन गुडविल के तौर पर जानते हैं कि उसकी क्या साख है, कि मार्केट में उसका कितना अच्छा नाम है, कितना उस ब्रांड को पसंद किया जाता है, कितना उसके बारे में लोग बातें करते हैं, कितनी सारी चीजें हैं जिसके बेसिस पे उसकी बिजनेस आगे रन करता है। और अच्छे प्रॉफिट्स जब एक कंपनी अर्न करती है तो उन प्रॉफिट्स के बेसिस पे कंपनी का एक अच्छा मार्केट में डिमांड रहता है, तो उससे उसकी गुडविल और क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है। और गुडविल जो है क्या है, इनटेंजिबल असेट्स है, ऐसी असेट्स है जिसको आप टच नहीं कर सकते, बट आप फील कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं उसकी वैल्यू की, अपने गुड नेम की वैल्यू की, उसके रेपुटेशन की, जिसके बेसिस पे आप काफी लंबे टाइम पीरियड तक मार्केट में एक अपना नाम बना के रख सकते हैं और एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। तो गुडविल जो है वो इनटेंजिबल असेट्स है आपकी और इसको आप टच और फील नहीं कर सकते हो। तो ये तो गुडविल की रही बात है, गुडविल क्या है। अब गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाए, किस बेसिस पे गुडविल को वैल्यूएट किया जाए, तो सीधी सी बात है, कोई भी कंपनी जो होती है, कोई भी फर्म जो होती है, उसके प्रॉफिट्स क्या बोलते हैं उस पर डिपेंड करती है गुडविल की वैल्यू। ये गुडविल किस कंपनी के प्रॉफिट बहुत ज्यादा अच्छे है, मतलब ये है कि वो कंपनी डे बाय डे क्या कर रही है, अपने आप को ग्रोथ पोजिशन पे ले जा रही है और मार्केट में उसका डिमांड बढ़ रहा है, उसकी वजह से उसकी प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। और डिमांड बढ़ने का मतलब है कि उसके मार्केट में एक अच्छा रेपुटेशन बना रखा है, जिसकी वजह से उस प्रोडक्ट को, उस नाम को लोग पसंद कर रहे हैं। नॉर्मली अपन देखते हैं आज एप्पल जो है अपने आप में क्या एक ब्रांड है, तो लोग बहुत ज्यादा उसके लिए क्रेजी है, बहुत ज्यादा उसको क्या करते हैं, जैसे ही मार्केट में लॉन्च होता है और उसके लिए वो परचेस करने के लिए फटाफट से दौड़ते हैं। उसका मतलब ये कि उसका एक बहुत बड़ा ब्रांड नेम है, उसको कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह को ज्यादा करने की रिक्वायरमेंट नहीं, इतना अपने आप को उसने नाम स्टेब्लिश कर दिया है, इतना नेम स्टेब्लिश कर दिया है कि लोग उसके नाम से उसको परचेस कर लेते हैं। तो डिपेंड करता है कि वो किस ब्रांड का कितना वैल्यू मार्केट के अंदर है। अब बात करेंगे अपन यहाँ पे गुडविल के बाद कि इसका वैल्यूएशन कैसे किया जाए, तो प्रॉफिट बेसिस पे अलग अलग तो मेथड ऑफ गुडविल वैल्यूएशन कौन कौन से है उसके बारे में बात करेंगे। अब शॉर्ट फॉर्म में GW ही लिखूंगा मैं इसको, गुडविल को, इसका मतलब गुडविल ही है, गुडविल बोलेंगे अपन इसको, GW को, ठीक है। तो गुडविल की वैल्यूएशन से कौन कौन से मेथड्स है उन मेथड्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट मेथड की अपन बात करेंगे यहाँ पे, फर्स्ट मेथड आता है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके अंदर दो मेथड अपन यूज करते हैं, ये फर्स्ट मेथड है आपका, इसके वापस दो सब डिविजन अपन करने वाले हैं यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी के जो प्रॉफिट होते हैं, फर्म के जो प्रॉफिट होते हैं, उनको एवरेज बेसिस पे अपन क्या कर रहे हैं कि गुडविल की वैल्यूएशन कर रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे। उसके अंदर आपस फर्स्ट ए पार्ट आता है आपका सिंपल एवरेज, और बी होता है आपका वेटेड एवरेज। मैं शॉर्ट फॉर्म ए बी जी ही लिखूंगा इसको, शॉर्ट फॉर्म कर दिया है मैंने ताकि आपको आसानी रहेगी। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड के वैसे अपन गुडविल को वैल्यूएट करेंगे, उसके वापस दो मेथड अपन ने पढ़े, सिंपल और वेटेड एवरेज। तो अब अपने को ये देखना रहेगा कि सिंपल कब लगाना है और वेटेड कब लगाना है। तो मैं आपको बता देता हूं कि जब प्रॉफिट का जो एक सीक्वेंस होता है वो अगर एक ही पर्टिकुलर सीक्वेंस में अगर आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं तो उस बेसिस पे क्या होता है आपका वेटेड एवरेज आपको यूज करना होता है। और जहां पर सीक्वेंस नहीं होती है, कोई भी चेंजेस होते रह रहे हैं, फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, वैल्यूएशन है,
तो वहां पर आप क्या करोगे, सिंपल एवरेज लगाएंगे। जैसे सपोज फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट 10,000 है, सेकंड ईयर में 5 हो गया, थर्ड ईयर में 8 हो गया, फोर्थ ईयर में 20 हो गया, तो कोई सिक्वेंस नहीं है यहाँ पे, तो आप इजीली यहाँ पर सिंपल एवरेज यूज कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर ये है कि वेटेड एवरेज का भी यूज करना है, तो सपोज फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट 10 है, फिर 20 हुआ, 30 हुआ, 40 हुआ, तो एक पर्टिकुलर क्या है उसका सिक्वेंस क्या है कि इंक्रीज होता हुआ जा रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो एक ग्राफ तो वहां पर वेटेड एवरेज लगाना होता है। पर मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, जब तक क्वेश्चन आगे से आपको वेटेड एवरेज के लिए वेट गिवन नहीं देगा कि भाई पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ये वेट है, तब तक आपको वेटेड एवरेज यूज नहीं करना है, तब तक आपको सिर्फ सिंपल एवरेज ही यूज करना है। जब तक क्वेश्चन आगे से स्पेसिफाई नहीं करे तब तक सिर्फ आपको कौन सा मेथड यूज करना है, एवरेज मेथड। और जब क्वेश्चन आगे से क्लियर कर दे कि भाई आपको यहाँ वेटेड लगाना है, तो वहाँ वेटेड मेथड रहेगा। और बाकी कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए मैंने अभी बता दिया, सीक्वेंस चेक करनी है, अगर एक ही सीक्वेंस में आगे बढ़ रहा है तो वहां पर कौन सा लगाओगे आप, वेटेड एवरेज, और जहां फ्लक्चुएशन होगा वहां पर लगाओगे आप सिंपल एवरेज। ठीक है, तो अपन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, इसके फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट सिंपल एवरेज बेसिस पे अपन बात करेंगे, तो गुडविल की वैल्यूएशन का फॉर्मूला आपका रहेगा, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस। कितने ईयर बेसिस पे अपन बात कर रहे हैं वो क्वेश्चन में गिवन होगा, नंबर ऑफ ईयर परचेस ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, उसके बेसिस पे आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना है। और आपको फॉर्मूले में क्या वैल्यू चाहिए, एवरेज प्रॉफिट चाहिए। तो एवरेज प्रॉफिट आपने पहले भी छोटी क्लासेस में मैथ्स जब पढ़ी होगी तो सिंपल एवरेज निकालना आपने सीखा होगा। सिंपल एवरेज क्या करना, जितने ईयर के जो डेटा है आपके उन सबको प्लस करके उतने ईयर से अगर अपन डिवाइड करें तो सिंपल एवरेज निकल जाता है। तो वही चीज आपको यहाँ पे करनी है, यहाँ पे सिंपल एवरेज बहुत आसानी से निकल जाएगा आपका। कि सपोज आपको बोला जाता है कि फर्स्ट ईयर में किसी कंपनी के प्रॉफिट दे रखे आपको 10,000, ईयर हो गया ये आपका, ये प्रॉफिट हो गया। सेकेंड ईयर में आपको प्रॉफिट दे दिया 5,000, थर्ड ईयर में प्रॉफिट दे दिया आपको 15,000, देन फोर्थ ईयर में आपको प्रॉफिट दे दिया 20,000। ठीक है, तो उसके बेसिस पे अब आपको बोला जाता है सपोज, या इसको कर देते हैं 30,000 सपोज, तो उस बेसिस पे आपको बोला जाता है कि अब इस बेसिस पे आप गुडविल को कैलकुलेट करके बताओ। तो एवरेज प्रॉफिट निकालना है अगर अपने को यहाँ पे, तो चारों प्रॉफिट को क्या करते हैं प्लस कर दें, तो चारों को प्लस करें अगर अपन यहाँ पे, तो वैल्यू बनती है 60,000। तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कितना है आपका 60,000 आया, और कितने ईयर का प्रॉफिट है ये, 1, 2, 3, 4 ईयर से इसको डिवाइड कर दिया जाए तो सिंपल एवरेज आ गया आपका 15,000। अब इस 15,000 को अगर यहाँ पे ले आए अपन एवरेज प्रॉफिट को, और अगर क्वेश्चन ये बोलता है कि थ्री ईयर बेसिस पे, थ्री ईयर ऑफ नंबर ईयर बेसिस पे आपको प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है, तो नंबर ऑफ ईयर परचेस यहाँ पे 3 आ जाएगा सपोज, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 45,000। वो क्वेश्चन में ऑलवेज ये गिवन होगा कि नंबर ऑफ ईयर कितने ईयर बेसिस पे आपको परचेस के बेसिस पे आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना है। अगर ये 4 के बेसिस से बोलेगा तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 पे बोलेगा 5 से कर देंगे, 1 से बोलेगा 1 से कर देंगे, 6 से बोलेगा 6 से कर देंगे। पर आपको एवरेज निकालने का तरीका सिंपल एवरेज कैसे निकालना है, जितने ईयर के प्रॉफिट्स है उनको प्लस करना है, प्लस करने के बाद जितने ईयर है उससे डिवाइड कर देना है, तो आपका सिंपल एवरेज निकल जाएगा। तो ये होता है आपका गुडविल का फर्स्ट मेथड, सिंपल एवरेज मेथड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का। अब प्रॉब्लम ये रहेगी आपके सामने कि एवरेज प्रॉफिट्स जो होंगे उसमें कुछ करेक्शंस होंगे, उन करेक्शंस को किए बिना आप एवरेज नहीं निकाल सकते, तो पहले उनको करेक्ट करना होगा, कुछ एडजस्टमेंट होंगे, उस एडजस्टमेंट को सोल्व करने के बाद जो प्रॉफिट रेक्टिफाइड प्रॉफिट आएगा उसका एवरेज निकालना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक एक्सरसाइज दूंगा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दूंगा, जिससे आपको और इजी हो जाएगा क्वेश्चन को करना। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तक आपको इस फॉर्मूले से एवरेज प्रॉफिट निकालना आ गया है, पर प्रॉफिट में करेक्शन कैसे करना है, एडजस्टमेंट कैसे करना है, कैसे रेक्टिफिकेशन करना है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेके। तो अभी फिलहाल मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, एक बार आपको नॉर्मली स्क्रिप्ट क्लियर है कि कैसे आपको काम करना रहेगा, तो इसको मिटा देते हैं और अब अपन एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेके देखते हैं बुक की, जिसको आपको समझने में इजी रहेगा। मैं रीड करूंगा पूरा क्वेश्चन, उसके बाद अपन इसको स्टेप बाय स्टेप बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन मैं यहां से ले रहा हूं, क्वेश्चन, ए परचेस बीज बिजनेस विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016, इट वॉज एग्रीड दैट द फर्म्स गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेस। 2 ईयर परचेस मतलब इस फॉर्मूले में यहाँ पे तो 2 अपन ले सकते हैं, ये बात तो क्लियर हो गई, 2 ईयर परचेस के बेसिस पर निकालना है, 2 ईयर परचेस ऑफ नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, और लास्ट 3 ईयर के एवरेज निकालना है, और नंबर ऑफ ईयर में 2 ले लेना है आपको, और एवरेज कितने ईयर के प्रॉफिट का लेना है, 3 ईयर के प्रॉफिट का, एंड द प्रॉफिट ऑफ द बीज बिजनेस ऑफ लास्ट 3 ईयर वर, 3 ईयर के प्रॉफिट आपको दे रखे हैं 2013, 2014, 2015। ठीक है, तो उसके प्रॉफिट में क्या करेक्शन है, फर्स्ट बात करूंगा 2013
एंड 14 के प्रॉफिट्स आपको दे रखे हैं, प्रॉफिट का अमाउंट गिवन है यहाँ पे 80,000, ये 80,000 अपन ने यहाँ पे ले लिया। इसमें करेक्शन क्या है वो देखना है अपने को। तो क्वेश्चन ये कहता है 80,000 इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ 10,000। अब मैं आपको बता देता हूँ बेटा यहाँ पर कि जब भी क्वेश्चन में किसी प्रॉफिट में अगर कोई एबनॉर्मल गेन का मतलब ऐसा गेन जो आपका नॉर्मल प्रॉफिट से रिलेट नहीं करता है, एबनॉर्मल होने का मतलब वो कहीं आपका किसी और बिजनेस से हुआ है जो नॉर्मली बिजनेस आप जिस बिजनेस में डील करते हैं उससे रिलेटेड नहीं है, एबनॉर्मल है, तो उसको वहां से उस प्रॉफिट का पार्ट नहीं है, उसको हटाना पड़ेगा। अगर इंक्लूड कर दिया है तो उसको हटाना पड़ेगा वहां से। तो एबनॉर्मल गेन हमेशा लेस होगा और आपका एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल प्रॉफिट एक ही बात कर दी मैंने यहाँ पे, तो वो होगा हमेशा लेस होगा। और एबनॉर्मल लॉस अगर हुआ है किसी ईयर में आपको और उस ईयर के प्रॉफिट में एबनॉर्मल लॉस को इंक्लूड कर रखा है तो इस एबनॉर्मल लॉस को आपको फिर से प्लस कर देना, क्योंकि उसको उसने पहले क्या कर दिया होगा, हटा दिया होगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है, एबनॉर्मल गेन ऑलवेज क्या होगा, माइनस होगा, और एबनॉर्मल जो लॉस होगा वो प्लस होगा। उसका रीजन क्या है वो बताता हूं मैं आपको। एबनॉर्मल गेन का मतलब ऐसा गेन, सपोज मुझे इस साल मुझे मेरा जो नॉर्मल प्रॉफिट का बिजनेस का प्रॉफिट है वो 1,00,000 है और मुझे इस साल 1,00,00,000 की लॉटरी लग गई, तो 1,00,00,000 का प्रॉफिट मैंने P&L में शो कर दिया तो मेरा नेट प्रॉफिट बताएगा 1,01,00,000। अब एक्चुअल में वो 1,00,00,000 जो है वो क्या है, एबनॉर्मल प्रॉफिट है, मेरा नॉर्मल बिजनेस का प्रॉफिट तो है ही नहीं। तो अब नेक्स्ट ऐसा तो है नहीं कि हर साल मुझे लॉटरी लगती रहेगी और मेरा प्रॉफिट होता रहेगा, वो मैं इसमें ऐड करता रहूंगा, तो ये क्या हो गया, एबनॉर्मल गेन हो गया। तो अपने को उसको 1,00,00,000 को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है, 1,00,00,000 को हटा देना है। तो अब नॉर्मल प्रॉफिट कितना बचा, 1,00,00,000। तो यहाँ पे भी करेक्शन क्या है कि 2013-14 में एबनॉर्मल गेन आपका इंक्लूड कर रखा है, तो इसको यहाँ पे अपन फिर से क्या कर दे, लेस कर दे। तो एबनॉर्मल गेन आपका इसके अंदर इंक्लूड है 10,000 का, तो 10,000 का लेस करने के बाद जो फिगर बचा वो 70,000 आप यहाँ पे डाल सकते हो, उसको इस तरीके से आप कर सकते हो। फिर उसके बाद 2014 और 15 का जो प्रॉफिट है उसमें क्या करेक्शन है देखते हैं। एक 1,00,000 रुपीज का प्रॉफिट दे रखा है आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000। अब वापस इस ईयर में आपको 1,00,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है और इस प्रॉफिट में करेक्शन ये है कि आपका एबनॉर्मल लॉस हुआ है। एबनॉर्मल लॉस अभी अपन ने बोला था प्लस करेंगे, क्यों प्लस करेंगे उसको भी बात कर लेते हैं। सपोज किसी ईयर में मेरे बिजनेस के अंदर किसी वजह से लॉस हो गया, मैंने किसी शेयर में पैसा लगाया था और शेयर में पैसा मेरा डूब गया। अब उस लॉस को अगर मैं बिजनेस के प्रॉफिट में से चार्ज कर लेता हूँ, लॉस कहाँ से चार्ज करूंगा, P&L से, तो मेरा बिजनेस का प्रॉफिट 1,00,000 हुआ था और मेरे को शेयर में सपोज 30,000 का लॉस हुआ, वो लॉस मैंने P&L में लिख दिया, तो मेरा प्रॉफिट 70 बता रहा है, जबकि उस 30,000 का शेयर का जो लॉस है वो मेरे बिजनेस से उसका कोई रिलेशन नहीं है। तो उस 30,000 को मैं P&L से चार्ज मुझे नहीं करना चाहिए पर मैंने कर दिया, तो मेरा प्रॉफिट 70 बता रहा है। तो मेरे को अगर अपना बिजनेस का करेक्ट प्रॉफिट चाहिए तो उस 30,000 को फिर से प्लस करना पड़ेगा, तभी मैं क्या कहूंगा कि मेरा करेक्ट प्रॉफिट 1,00,000 है, मेरे 30,000 का जो लॉस है वो बिजनेस से रिलेटेड लॉस नहीं है, वो किसी और चीज का लॉस है जिसको मैंने अपने P&L से चार्ज कर दिया है, तो उसको बोलते हैं अपन एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस अपन फिर से क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो एबनॉर्मल लॉस इस ईयर में कितने अमाउंट का दे रखा है, 20,000 का दे रखा है, तो 20,000 का एबनॉर्मल लॉस फिर से प्लस हो जाएगा, तो जो रेक्टिफाई फिगर बाहर की तरफ गया वो गया 120। अब बचा आपका थर्ड ईयर में 15-16 ईयर है आपका 2015-2016, इस ईयर में कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है देखते हैं। तो प्रॉफिट आपको दे रखा है यहाँ पे 90,000 का और उसमें करेक्शन क्या है वो भी देख लेते हैं। करेक्शन ये है कि यहाँ पर 90,000 एक्सक्लूडिंग 10,000 इंश्योरेंस प्रीमियम एज अ फर्म्स प्रॉपर्टी नॉट इंश्योर ड्यूरिंग द ईयर बिकॉज ऑफ ओवरसाइट। सीधी सी बात है कि इंश्योरेंस आपने करवा रखा है और उसका प्रीमियम आपने भरा नहीं है, तो नहीं भरा है तो अब तो भरना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने इंश्योरेंस तो करवा ही रखा है, वो बिजनेस का एक्सपेंडिचर है, इंश्योरेंस आपको P&L से चार्ज होता है, तो आपने प्रॉफिट में से इंश्योरेंस को चार्ज नहीं किया, उससे पहले का प्रॉफिट है, तो इंश्योरेंस को चार्ज कर ले अगर अपन, इंश्योरेंस का जो एक्सपेंस है वो 10,000 का चार्ज करने के बाद जो आपका रेक्टिफाई प्रॉफिट बचेगा, जो करेक्ट प्रॉफिट है वो 80,000 बचा आपका। तो अब ये अपने 1, 2, 3 ये जो प्रॉफिट्स थे वो क्या थे, करेक्शन वाले प्रॉफिट थे, इनको रेक्टिफाई कर दिया है, अब अपने एक्चुअल प्रॉफिट आ चुके हैं। इन एक्चुअल प्रॉफिट का टोटल अगर अपन लगा दें यहाँ पर तो ये टोटल बनेगा आपका 70 + 80 = 150 यानी 270 जो प्रॉफिट आया आपका एक्चुअल प्रॉफिट आया। अब इस प्रॉफिट को अपन एवरेज कर सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला आपका वही टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट आया आपका 270, इस 270 में अपन थ्री ईयर के प्रॉफिट से 1, 2, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका एवरेज प्रॉफिट आया 90,000। तो अब अपना करेक्शन हो चुका है, एवरेज प्रॉफिट आ चुका है, मेन फॉर्मूला अपन पहले ही लगा चुके हैं, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर क्वेश्चन में पहले ऑलरेडी गिवन था 2 ईयर, एवरेज प्रॉफिट अभी आपने कैलकुलेट किया, तो उस बेसिस पे गुडविल आ गई आपकी 1,80,000। तो ये करेक्शन, ये क्वेश्चन आपका पूरा सोल्व हो गया। एक बार फिर से मैं इसको रिवाइंड करूंगा इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग से एंड तक। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में मैं जब पढ़ रहा था तो क्वेश्चन अपन ने पढ़ा, उसमें आपको बोला गया कि गुडविल इज टू बी वैल्यूएड एट 2 ईयर परचेज। 2 ईयर परचेज का मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज में आपको 2 लेना है। देन क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करता है,
परचेज ऑफ नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर, लास्ट थ्री ईयर के नॉर्मल प्रॉफिट को आपको लेना है। अगर कोई करेक्शन है तो उसको करेक्शन को पहले करना है और एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है। उसके बाद क्वेश्चन में आपको जो डायरेक्ट प्रॉफिट दे रखे थे वो 81 ने को 90 दे रखे थे, अगर आप उसको यूज करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा क्योंकि उसमें कुछ करेक्शन एडजस्टमेंट होना बाकी है। फर्स्ट क्वेश्चन का एडजस्टमेंट आया एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन का मतलब मैंने बताया ऐसा गेन जो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। अगर आपके बिजनेस से रिलेटेड गेन नहीं है तो आप उसके अपने पीएनएल में कैसे लिख सकते हैं? अगर आपने लिख दिया है और उसके बाद का प्रॉफिट ले रहे हैं तो उस एबनॉर्मल गेन को फिर से अगर मैं हटा दूं तो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा। तो 80,000 में जो 10,000 का एबनॉर्मल गेन इंक्लूड था उसको मैंने लेस कर दिया तो रिमेनिंग जो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट है 70,000 बाहर की तरफ चला गया। अब बात करूंगा 14-15 के प्रॉफिट्स की, तो उसका प्रॉफिट 1 लाख का हुआ। जब अपन ने एबनॉर्मल गेन को इंक्लूड नहीं किया तो एबनॉर्मल लॉस को कैसे इंक्लूड कर सकते हैं? एबनॉर्मल गेन को जब अपन ने लेस किया सीधी सी बात है तो एबनॉर्मल लॉस को अपन प्लस करेंगे। क्यों प्लस करेंगे? क्योंकि एबनॉर्मल लॉस अपने बिजनेस का लॉस है ही नहीं तो उसको पीएनएल से कैसे चार्ज किया जा सकता है? अगर आप चार्ज करोगे तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो वापस करेक्ट प्रॉफिट लाने के लिए उसको फिर से प्लस कर दें तो अपना करेक्ट प्रॉफिट आ गया 120। देन उसके बाद 15-16 का जो प्रॉफिट था 90,000 का, उस प्रॉफिट का पीएनएल आपने बना दिया, प्रॉफिट निकाल दिया, पर आपने एक इंश्योरेंस का एक्सपेंडिचर था जो पे करना था आपका, आपने नहीं किया तो अब तो करना ही पड़ेगा। तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट उस प्रीमियम को चार्ज करने के बाद 80,000 ही बचेगा तो वो अपन ने लेस कर दिया। ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर जो पीएनएल से चार्ज होना चाहिए अगर नहीं हुआ है तो वो लेस हो जाएगा। ऐसी कोई भी इनकम जो पीएनएल में आनी चाहिए थी नहीं हुई तो ऐड हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। एक्सपेंस लेस होगा और इनकम ऐड होगी जो पीएनएल में आनी चाहिए। और ऐसा करने पर जो प्रॉफिट आएगा एक्चुअल प्रॉफिट आया उसको टोटल लगाया अपन ने 3 ईयर के प्रॉफिट को, 270 आया। 3 ईयर का प्रॉफिट तो 3 से ही डिवाइड करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ गया आपका 90,000। इस 90 को एवरेज प्रॉफिट वाली वैल्यू पर अगर अपन लेके जाएंगे और नंबर ऑफ इयर्स 2 जो उसने क्वेश्चन में गिवन था उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी गुडविल की वैल्यू आ गई 1,80,000। ये आपका आंसर है। इसमें कोई करेक्शन अगर आपको कोई क्वेरीज आपको रहती है तो मैं आपको पहले व्हाट्सअप नंबर दे चुका हूँ, एक बार फिर से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको हेल्पफुल रहेगा। 8386899564 इस पे मेरी क्वेरीज आप भेज सकते हैं। नाम आप सभी को पता ही है, अकाउंटेंसी बाय नीरज सर, ये नंबर आपके लिए। आप इस पर कॉन्टेक्ट करके अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। और ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका है, एक टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका है एवरेज प्रॉफिट का। उसमें कोई अगर आपको डाउट रहते हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तब तक 2 मिनट के लिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखें, तब तक मैं आपके लिए एक सेकंड जो मेथड है उसका भी क्वेश्चन ढूंढ लेता हूं और वो अपन इसके बाद करने वाले हैं। तो एक बार आप उसको देख लीजिए अच्छे से। अब इसको हटा देते हैं अपन और नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ लेके वेटेड एवरेज बेसिस पे क्वेश्चन लेके देखते हैं कैसे होता है। अपने को वेटेड एवरेज का जो प्रॉफिट लेना है उसके बेसिस पे मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन मैं यहाँ से रीड कर रहा हूँ और वेटेड एवरेज बेसिस पे अपन क्वेश्चन करेंगे। तो जब वेटेड एवरेज बेसिस पे गुडविल निकालनी होगी तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट के आगे अपन एक वर्ड लगा देंगे। सिंपल एवरेज था तो फिर अभी यहाँ पे हो जाएगा वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो भी आएगा उसको अपन नंबर ऑफ ईयर परचेस से मल्टीप्लाई करना है। बस चेंजेस कहाँ पे है, वेटेड एवरेज का जो सिंपल एवरेज का तरीका जो था प्रॉफिट निकालने का वो अलग था, जितने ईयर के प्रॉफिट था उससे डिवाइड कर देते थे। वेटेड एवरेज में कुछ थोड़ा सा अलग मेथड है, उसको अभी अपन बोर्ड पे देखेंगे तो वो मेथड भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म द ईयर एंडेड 31 मार्च फॉर द लास्ट 5 ईयर वर, आपको 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, मैं वो आप आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ। ईयर है आपका 2012, 2013, 2014, 2015 and 2016 और प्रॉफिट्स आपको गिवन है 40,000, 48,000, 60,000 and 50,000 और 36,000। ये 5 ईयर के प्रॉफिट मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिए हैं बोर्ड पे। अब क्वेश्चन आगे बढ़ रहा हूं मैं, क्या बोल रहा है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। 3 ईयर परचेज मतलब वापस यहाँ पे तो 3 लेना ही लेना है अपने को, यहाँ पे 3 ले लेते हैं अपन। फिर क्वेश्चन आगे बढ़ता है, परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर असाइनिंग वेट 1, 2, 3, 4, 5 रेस्पेक्टिव टू द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 12, 13, 14, 15 and 16। तो अब यहाँ पे क्या रहेगा बेटा, आपको दिखा देता हूँ मैं। ये 5 ईयर के प्रॉफिट्स हैं और यहाँ पे उसने वेटेड एवरेज यूज करने के लिए बोला है। कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं कि कॉलेज स्टूडेंट्स को मैंने आपको बताया था कि एक पर्टिकुलर पैटर्न में जो प्रॉफिट्स एक ही रेंज में एक ही सिक्वेंस में जो बढ़ता हुआ होगा तो आपको वहां पर क्वेश्चन नहीं बोले तो भी वेटेड एवरेज यूज करना है। बट 12th वाले बच्चों को ध्यान रखना है कि बुक में जब तक स्पेसिफाई नहीं करे, क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं करे तब तक आपको सिंपली यूज करना है, अदरवाइज वेटेड यूज करना है। यहाँ पे क्वेश्चन ने वेटेड यूज करने के लिए बोला, उसका रीजन भी आपको दिख रहा होगा। 40 से 48 हुआ प्रॉफिट, 48 से 60 हुआ, 60 से अब 50, 36
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्रॉफिट्स आपको 5 ईयर के गिवन है, तो यहाँ पे वेटेड एवरेज इन्होंने एक सिक्वेंस में बढ़ा, ठीक है, फिर कम हुआ, फिर तो वो सिक्वेंस उन्होंने पर्टिकुलर यहाँ पर जब तक क्वेश्चन बोलेगा नहीं तब तक अपन, अगर कॉलेज बेसिस अपन बात करेंगे तो सिंपल ही यूज करना है, आपको सिंपल एवरेज मेथड यूज करना है, और क्वेश्चन ने यहाँ पे आपको वेटेड एवरेज बोला है तो वेटेड के लिए इनको पांचों के लिए इसने वेट दिया है, तो एक छोटी सी टेबल आपको बनानी पड़ेगी। ये आपका जो ईयर है वो ईयर आपको ले लेना है, ईयर के बाद आपको प्रॉफिट्स ले लेना है, इस प्रॉफिट्स के बाद आपको वेट लेना है, जो क्वेश्चन में गिवन होगा वेट में आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन ने वेट दिया है कितना कितना, और यहाँ पे आ जाएगा आपका टोटल प्रोडक्ट, चार चीजें आएगी, चार चीजों में से वापस क्वेश्चन के दो जो पॉइंट है वो एज इट इज आपको कॉपी करने हैं बुक के अंदर से, उस ईयर का प्रॉफिट पर्टिकुलर ईयर का प्रॉफिट लिख देना है, और वेट पर्टिकुलर आपको दे रखा है सीक्वेंस वाइज, 2012 के लिए 1 वेट दिया है, इसके लिए 2 दिया है, इसके लिए 3 दिया है, इसके लिए 4 दिया है, और इसके लिए 5 दिया है, क्वेश्चन में गिवन है आपको बेटा, ये वेट आपको साथ साथ में उसके सामने लिख देना है, और अब कुछ नहीं करना है, इसको वेट से मल्टीप्लाई करना है, 40,000 × 1 = 40,000, 48 × 2 = 96,000, 60 × 3 = 180, देन उसके बाद आपका 50 × 4 = 2 लाख, 36 × 5 करोगे तो 180। तो ये आपको क्या करना है, ये होता है वेटेड एवरेज, जब आपको क्वेश्चन में पर्टिकुलर वेट दे रखा होता है उस ईयर के प्रॉफिट के साथ, तो उस ईयर के प्रॉफिट को उसके वेट से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट बनेगा आपका, और टोटल प्रोडक्ट जो आएगा उसको टोटल वेट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे वेटेड एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा, वेटेड एवरेज इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। अब टोटल प्रोडक्ट का टोटल लगाएंगे अपन, इसको 40 + 180 + 180 = 120, सबको प्लस कर लेते हैं तो 180 + 360 = 360 और 560 = 560 और 46,96,000 आपका टोटल आएगा यहाँ का, तो ये अपन ने टोटल लगा दिया इसका। अब टोटल वेट की टोटल चाहिए, तो टोटल वेट ये रहा 1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6, 6 + 4 = 5, 10, 10 + 5 = 15, तो वेट का टोटल आया आपका 15। तो ये आपको दोनों चीजें चाहिए यहाँ पे फॉर्मूले में, टोटल ऑफ प्रोडक्ट जो 696 आया, टोटल ऑफ वेट जो ये आया आपका 15, इसको अब अपन सोल्व करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट 696 / 15, तो इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी सोल्व करने पर 46,400, तो ये टोटल आपका वेटेड एवरेज आ गया। अब इस वेटेड एवरेज को आपको क्या करना है, वहां पहुंचाना है फॉर्मूले में, फॉर्मूला आपका गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ चुका है 46,400, इसको 3 से अगर अपन मल्टीप्लाई करते तो अपनी गुडविल की वैल्यू बाहर आ जाएगी, वो वैल्यू आ गई आपकी 1,39,200। तो ये हो गया आपका गुडविल क्वेश्चन वेटेड एवरेज बेसिस पे। सिंपल एवरेज अगर होता है यहाँ पे तो अपन क्या करते हैं, इन पांचों ईयर के प्रॉफिट को प्लस कर लेते हैं और 5 से डिवाइड कर देते हैं, पर आप वेटेड एवरेज यूज करना था तो उसका वेट जो होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, वेट दे रखा था आपको पर्टिकुलर 2012 के लिए 1, 13 के लिए 2, 14 के लिए 3, 15 के लिए 4 एंड 16 के लिए 5, उस पर्टिकुलर ईयर के प्रॉफिट को उस पर्टिकुलर ईयर के वेट से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट आ जाएगा बेटा, उस टोटल को आप करोगे तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा, वेट के टोटल होगा तो टोटल ऑफ वेट आ जाएगा। फॉर्मूला आपका टोटल ऑफ प्रोडक्ट 696 अपॉन टोटल ऑफ वेट 15, सोल्व करेंगे तो 46,400 आपका आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट को आप जब यहाँ पे फॉर्मूले में पहुंचाएंगे, यहाँ पर इस फॉर्मूले का आप गुडविल का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा, वही एवरेज प्रॉफिट वेटेड एवरेज लेगा तो नंबर ऑफ ईयर तो एज इट इज सही है, 3 ईयर बेसिस से बोला था 3 नंबर वेटेड एवरेज आया 46,400, इसको मल्टीप्लाई किया तो गुडविल आ गई 1,39,000 आपकी 200। तो ये होता है आपका एवरेज बेसिस पे गुडविल को कैलकुलेट करना। इसके अंदर अपन ने दोनों मेथड पढ़े हैं, यहाँ पर सिंपल एवरेज भी पढ़ लिया और वेटेड एवरेज भी पढ़ लिया एवरेज बेसिस के अंदर, तो मिल के लिए आप आसानी से इसको देखें, आराम से देखें अपन ने कौन सी स्टेप्स को कहां से फॉलो किया है, गुडविल को कैसे कैलकुलेट किया है, देन अपन आगे बढ़ेंगे इसके आगे। तो ये आपका हो चुका है टॉपिक कंप्लीट, कुछ और क्वेश्चंस आप अपने बेसिस पे लेकर क्वेश्चंस कर सकते हैं और उस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको मेथड जो चल रहा है उसमें फर्स्ट मेथड अपन ने कंप्लीट किया है, अब सेकंड मेथड भी अपन अभी कंप्लीट करेंगे, देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस मेथड को अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं तो अपन सेकंड मेथड की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड मेथड है अपना सुपर प्रॉफिट मेथड, तो मैं सारा सब कुछ हटा रहा हूं यहाँ पे। एवरेज प्रॉफिट के दो मेथड अपन ने सीख लिए, सिंपल भी सीख लिया और एवरेज भी सीख लिया, तो अपन सुपर मेथड प्रॉफिट मेथड पे बात करेंगे और उसके भी कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, तो अपने को पूरा एक
गुडविल के काफी सारे अच्छे टॉपिक्स अच्छे से हो जाएंगे, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टी प्रॉब्लम्स लेके अपन कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं सुपर प्रॉफिट बेसिस से कोई अपन गुडविल निकालनी होगी तो कैसे फॉर्मूला रहेगा वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट हट चुका है, अब सेकंड नंबर का मेथड आ गया आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में आपको फॉर्मूला जो होगा वो सिंपल सा है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट की जगह आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ पे ये मेन हीरो है सुपर प्रॉफिट, यहाँ पर वो कैसे कैलकुलेट होगा मैं आपको बताऊंगा। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू इनटू नंबर ऑफ ईयर, वापस यहाँ पे जो भी दे रखा है वही रहेगा, ऑफ परचेज फॉर्मूला वो का वही है बेटा। आप देख रहे हैं गुडविल ऑफ चेंजेस क्या हो रहा है, आगे वाली डिजिट चेंज हो रही है, जब वेटेड एवरेज था तो वेटेड एवरेज आया, सिंपल एवरेज था तो सिंपल एवरेज आया, और सुपर प्रॉफिट की बात हो रही है तो सुपर प्रॉफिट आ गया फॉर्मूले में, अदरवाइज फॉर्मूला सेम है। अब सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला आपको ये प्रॉफिट निकालने के लिए अब थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी अपने को, तो मेहनत अभी अपन करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए गुडविल का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा, अब यहाँ पे करेक्शन क्या है कि सुपर प्रॉफिट गायब है, तो सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला अपन फिर देखते हैं। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, वापस एवरेज प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट तो आपको रहेगी यहाँ पे, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, तो नॉर्मल प्रॉफिट को वापस कैलकुलेट करने के लिए इसका फॉर्मूला अपने को यूज करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला वो रहा, उसमें नंबर ऑफ ईयर आपको गिवन होगा वो लिख देंगे आप, अब मिसिंग जो आपके लिए वो क्या है सुपर प्रॉफिट है, तो सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला अपन यहाँ पे लिख रहे हैं एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट होगा उसमें से अगर आप नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। पर प्रॉब्लम आपके सामने है कि एवरेज प्रॉफिट तो आपको कैलकुलेट करना अभी अभी आपने सीखा है कि एवरेज प्रॉफिट तो आप आसानी से निकाल लेंगे, चाहे सिंपल से निकाले चाहे वेटेड से निकाले, जैसा क्वेश्चन बोले वैसे निकाल सकते हैं। पर नई चीज आपके लिए यहाँ पर क्या है नॉर्मल प्रॉफिट, तो इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो नॉर्मल प्रॉफिट का वापस फॉर्मूला आपके लिए लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नंबर, सॉरी इसको एनआरआर बोलूंगा मैं यहां पर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, शॉर्ट फॉर्म में एनआरआर बोल सकते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोल सकते हो आप एनआरआर, जो क्वेश्चन में ऑलवेज गिवन होगी आपको, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा होगा और एवरेज कैपिटल इनपुट आपको निकालना पड़ सकता है, तो वो निकालने का फॉर्मूला अपन यहां पे लिखेंगे क्वेश्चन में। अगर आपको कैपिटल इन्वेस्टेड दे रखा है तो उसको भी आप एवरेज कैपिटल इनपुट मान सकते हैं, और अगर नहीं दे रखा है आपको डायरेक्टली तो उसका फॉर्मूला आपको यहां पे यूज करना पड़ेगा। तो इसके अंदर आपको क्या करना है एवरेज निकालने के लिए, ओपनिंग कैपिटल इंप्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल इंप्लॉयड डिवाइड बाय टू, तो आपका एवरेज कैपिटल इनपुट आ जाएगा, और एवरेज कैपिटल इनपुट अपन को यहाँ पे लेना है और नॉर्मल रेट आपको दे रखी होगी। अब क्वेश्चन में सबसे मेन चीज ये कि आप कैपिटल इंप्लॉयड कैसे निकालेंगे, तो कैपिटल इंप्लॉयड जो होता है वो दो एस्पेक्ट से निकलता है आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन अगर आपके उसके बेसिस पे जाए कि कैपिटल इंप्लॉयड कैसे निकलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग आप यहाँ पे कैपिटल इंप्लॉयड को कैसे निकाला जाए, तो कैपिटल इंप्लॉयड के लिए अगर अपन लाइबिलिटीज या एसेट्स, सबसे फर्स्ट एसेट्स एस्पेक्ट से देखें, अगर दो तरीके से आपकी कैपिटल इंप्लॉयड निकल सकती है आपकी, आपने बैलेंस शीट की दो साइड देखी होगी, एक लाइबिलिटी साइड होती है एक असेट साइड होती है। अगर आपको असेट साइड से कैपिटल इंप्लॉयड फाइंड आउट करना है तो असेट्स अप्रोच अगर आप लेंगे यहाँ पे, तो असेट्स के अंदर से आपको क्या लेना है, सारी असेट्स लेनी है, ऑल असेट्स एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस असेट्स। फिक्टिशियस असेट्स का मतलब मैंने आपको बताया था बेटा, ऐसी असेट्स जो क्या होती है आपकी असेट्स नहीं होके आपका लॉस होता है, जिसको आप अकाउंटिंग की इक्वेशन की वजह से उसको आप एज असेट्स मानते हैं, जिसको आप आर्टिफिशियल असेट्स भी बोलते हैं। फिक्टिशियस असेट्स के अंदर मेजरली पीएनएल का डेबिट बैलेंस हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो सकता है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो सकता है। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं जो आपके फिक्टिशियस असेट्स के एग्जांपल्स हैं, उनको आपको इंक्लूड नहीं करना है, सारे असेट्स बाकी सारी असेट्स लेनी है एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस असेट्स, और आपकी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को भी आपको नहीं लेना है। नॉन ट्रेड क्वेश्चन में गिवन होगा, जब तक वो क्वेश्चन आगे से बोलेगा नहीं तब तक आपको ट्रेड ही मानना है, और जब क्वेश्चन आगे से बोलते हैं कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर, तो उसको हटा देना है। और बचे हुई सारी असेट्स, असेट्स के अंदर आपको पता है बेटा तीन मेजर हेड होते हैं, आपकी फिक्स असेट्स होती है, फिक्स में आपकी जो टोटल जो आपकी फिक्स में असेट्स जो होती है उसके अंदर टेंजिबल और इनटेंजिबल अपन देखते हैं। टेंजिबल में आपकी लैंड प्लांट मशीनरी ये सारी सब कुछ आ जाती है, फर्नीचर वगैरह, और इनटेंजिबल में गुडविल वगैरह सब आ जाएगी आपकी। फिर करंट असेट्स होती है, करंट असेट्स में आपकी डेटर्स इन्वेंट्री,
बिल्स रिसीवेबल और ये मार्केटेबल सिक्योरिटी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जिसको आप बोलते हो, बैंक हो सकता है, तो वो सारी चीजें आती है। उसके अलावा थर्ड जो आपकी होती है फिक्टिशियस एसेट्स होती है, उस फिक्टिशियस एसेट्स को अपने को नहीं लेना है। और उस अगर आपके एसेट्स के अंदर, टेंजिबल एसेट्स के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट आपका नॉन ट्रेडिंग है तो उसको भी नहीं लेना है। उसके अलावा सारे एसेट्स को आप ले लीजिए और उसको प्लस कर लीजिए, और उसके अंदर से आपको क्या करना है, माइनस कर देना है आपको आउटसाइडर लायबिलिटीज को। आउटसाइडर लायबिलिटीज जिसमें करंट लायबिलिटीज जो आपकी होती है वो सारी की सारी आउटसाइड लायबिलिटीज जितनी भी उसको हटा देंगे अगर उसमें, उस टोटल असेट्स में से, तो फिर जो बचेगा आपका वो क्या कहलाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाएगा। ये तो हो गई आपकी असेट्स अप्रोच। असेट्स अप्रोच के अगर अगर आप लायबिलिटीज अप्रोच से इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो लायबिलिटीज अप्रोच से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए क्वेश्चन में आगे जब क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट आएगी तब आपको मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल अपन असेट्स अप्रोच से इसको देख रहे हैं। लायबिलिटीज अप्रोच से अगर आपको निकालना हो तो लायबिलिटीज अप्रोच से आपको सारे के रिजर्व और सरप्लस ले लेने हैं और कैपिटल ले लेनी है, उन दोनों को प्लस कर देना है, और उन दोनों को प्लस करके उसके अंदर से किसको माइनस कर देना है, आपको फिक्टिशियस एसेट्स को माइनस कर देना है। तो फिर जो वैल्यू बचेगी वो आपकी क्या होगी, कैपिटल एम्प्लॉयड होगी। तो क्वेश्चन में जब जैसा आपको बोलेगा उस जो एस्पेक्ट आपको वहां पे दे रखी है उसके बेसिस पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल ये आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला रहेगा, और ये आपका गुडविल का सबसे फर्स्ट सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला आपस एवरेज माइनस नॉर्मल रहेगा। नॉर्मल प्रॉफिट आपको कैसे निकालना है, तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर, एनआरआर को क्वेश्चन में गिवन होगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और कैपिटल एम्प्लॉयड आपको निकालना पड़ सकता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया अभी यहाँ पर, कि अगर आपको असेट्स अप्रोच से निकालना है तो सारे आपको असेट्स लेने हैं एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस असेट्स और नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट को छोड़ देना है, और उसमें से आउटसाइड लायबिलिटीज को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा और उसको आप यहाँ फॉर्मूले में रख सकते हैं। और अगर आपको लायबिलिटीज अप्रोच से जाना है तो लायबिलिटीज अप्रोच से जाने के लिए आपको कैपिटल ले लेनी है सारी की सारी, जिसमें उसके पास में आपको प्लस कर देना है रिजर्व एंड सरप्लस को प्लस कर देना है, और उसके अंदर से माइनस कर देना है आपको फिक्टिशियस असेट्स को। अगर ऐसा करेंगे तो भी आपकी निकल सकती है, इस अप्रोच से जाएंगे तो भी आपका काम हो सकता है, ठीक है। ये आप अप्रोच यूज कर सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन की सिचुएशन कैसी है, कंडीशन कैसी है उसके ऊपर। तो ये सारे सब फॉर्मूले मैंने आपके लिए लिख दिए, इसके बेसिस पे अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए ले रहा हूँ यहाँ पर, जो देखते हैं कितना ईजी है और कैसे हो सकता है, कैसे इस अप्रोच से जा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए रीड कर रहा हूँ बेटा, यहाँ से क्वेश्चन में गिवन है, फर्म अर्न अ नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट थ्री ईयर। नेट प्रॉफिट दे रखे हैं आपको, तीन ईयर में उन्होंने जो निकाले हैं 18,000, 20,000 और 22,000, थ्री ईयर के प्रॉफिट्स आपको दे रखे हैं। तो आप एवरेज प्रॉफिट इजीली निकाल सकते हो। मैं अभी इस इक्वेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी नहीं तो इसको यहाँ से हटा देता हूँ, और यहाँ पे मैं आपको एवरेज प्रॉफिट निकाल देता हूँ, इससे आपको फॉर्मूला इजी हो जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला आपको पहले से ही पता है बेटा, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन ईयर्स, टोटल ईयर्स जितने ईयर्स है, तो टोटल प्रॉफिट आपको दे रखा है 18,000 प्लस 20,000, क्वेश्चन में तीन ईयर के प्रॉफिट दे रखे हैं, प्लस आपका थर्ड ईयर का प्रॉफिट 22,000। तो तीन ईयर के प्रॉफिट है तो तीन से इसको डिवाइड कर दें अगर अपन यहाँ पे, तो ये 20,000 आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो एक चीज तो यहाँ पे आपको मिल चुकी है। अब क्वेश्चन आगे बढ़ता है, द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म इज 60,000। कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब वही आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड से है यहाँ पे, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे ले सकते हैं 60,000 आपको डायरेक्ट दे रखा है, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। तो अब इस फॉर्मूले की जरूरत भी आपको पढ़ने वाली नहीं है, सीधा सीधा आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। सिंपल सा आपको क्या दे रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है। जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट दे रखा होता है वो भी आप उसी को आप एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कंसिडर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में आपको दे रखी है द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म इज 60,000, तो अपने 60,000 ले लिया। अब क्वेश्चन आगे बढ़ता है, एंड द कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस एट फेयर रेट ऑन द कैपिटल हैविंग ए रिगार्ड टू द रिस्क इन्वॉल्व्ड इज 10%। मतलब आपको एनआरआर दे रखी है कि इसी बिजनेस पे अगर आप 10% रिस्क फ्री रिटर्न निकाल सकते हैं, तो एनआरआर आपको दे रखा है 10%। तो क्वेश्चन में दोनों चीजें गिवन थी, जब इसको सोल्व करेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया आपका 6,000। तो एक चीज और आपके सामने आ चुकी है, नॉर्मल प्रॉफिट आप निकाल चुके हो, फॉर्मूला था कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो क्वेश्चन में गिवन था कैपिटल इन्वेस्टमेंट दे रखी थी आपको 60,000, उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप एनआरआर जो आपको दे रखा है 10%, उससे तो वैल्यू आ गई 6,000। अब आप बात आ रही है सुपर प्रॉफिट की, तो सुपर प्रॉफिट फॉर्म निकालने का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट अभी अपन ने कैलकुलेट किया हुआ है 20,000, उस 20 को अपन यहाँ ले आए, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट अभी अपन ने कैलकुलेट किया 6,000, तो 6 को माइनस करूंगा तो वैल्यू जो आएगी सुपर प्रॉफिट की वो आ गई 14,000। अब फॉर्मूले में 14,000 प्रॉफिट आप यहाँ पे ले सकते हैं। अब नंबर ऑफ ईयर चाहिए, तो क्वेश्चन आगे बढ़ता है कि आपको कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ थ्री ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। थ्री ईयर के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर गुडविल निकालनी है, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो 42,000 आपकी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन पूरा सोल्व हो चुका है, देख सकते हैं बहुत इजीली स्टेप्स है। आप अगर कोई फॉर्मूले को इजीली पहले लर्न कर लें, 3 से 4 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स अगर आप सोल्व करेंगे
तो इस फॉर्मूले की सीक्वेंस भी आपको लर्न हो जाएगी आसानी से और आप ये क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को मैं रिवाइंड कर रहा हूँ। क्वेश्चन को जब मैंने पढ़ा तो 3 ईयर के प्रॉफिट दे रखे थे मेरे को, वो 3 ईयर के प्रॉफिट थे 18,000, 20,000, 22,000। उसके बेसिस पे अपन एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं, तीनों को प्लस किया, 3 से डिवाइड किया तो एवरेज प्रॉफिट आ गया आपका 20,000। अब क्वेश्चन में मेरे को सुपर प्रॉफिट का जो बेसिस पे गुडविल निकालनी थी, तो फॉर्मूला था गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर। तो नंबर ऑफ ईयर तो मैं 3 लिख सकता हूँ, क्वेश्चन में दे रखा है, पर सुपर प्रॉफिट मेरे पास में नहीं था, मिसिंग था, तो उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लिखा गया सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज माइनस नॉर्मल। तो एवरेज प्रॉफिट तो अपने निकाल दिया 20,000, पर नॉर्मल प्रॉफिट मिसिंग है यहाँ पर, तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा दीजिए। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला अभी अपन ने सीखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो क्वेश्चन में आपको कैपिटल इन्वेस्टेड दे रखी है डायरेक्ट 60,000 और इस पर रेट ऑफ रिटर्न आपको देगा 10%। तो ये दोनों फिगर क्वेश्चन में गिवन है, इसको सॉल्व करेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया आपका 6,000। एवरेज ऑलरेडी आप निकाल चुके हो 20 में से 6 को माइनस करोगे तो आपका सुपर प्रॉफिट आ गया 14,000। इस 14 को जब आप यहाँ फॉर्मूले में यूज करोगे सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 42,000 आपकी आ गई गुडविल। तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कितने आसानी से अपन सोल्व कर सकते हैं जब अपने को स्टेप क्लियर हो। तो आज की इस क्लास में अपना सुपर प्रॉफिट बेसिस पे इसी तरीके से गुडविल निकालना, आपको और क्वेश्चंस करने हैं, नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आएंगे नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके आगे और सिखाऊंगा, एक मेथड और बच रहा है उसको भी सोल्व करेंगे और इसके इस सुपर प्रॉफिट बेसिस पे और भी अपन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे ताकि आपको एकदम से टॉपिक क्लियर हो जाए। तब तक के लिए थैंक यू और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अभी फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें चैनल का सब्सक्राइब फटाफट से। चैनल का नाम आप सभी को बताइए है ये खिलाड़ी कॉमर्स के, और इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले और वीडियोस जो इसके आगे की क्लासेस है वो आप आसानी से देख पाए और सीख पाए। थैंक यू।